जिनके मज़हब और जिनके मसलक पर हम नमाज पढ़ते हैं, आया वो कौन थे? आया उन्होंने इस दुनिया के अंदर ऐसे कौन से आमाल किए कि जिन आमाल की बदौलत आज पूरी दुनिया के अंदर हनफी मसलक सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, माना जाता है? आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फ़िक़ह की किताबें हैं, मसाइल की किताबें हैं, वो तमाम के तमाम लिखने वाले सब के सब हनफी हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के कोने तक जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला इनके मसलक के मानने वाले ज़्यादा हैं। सन 80 हिजरी के अंदर उनकी पैदाइश हुई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला, और 80 सहाबा की उन्होंने ज़्यारत की। 80 सहाबा, जिनमें से 6 सहाबा ऐसे हैं जिनसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला ने हदीस की सनद भी ली। इनका असल नाम नौमान बिन साबित है, उनकी कुनियत अबू हनीफ़ा है, लक़ब इमाम आज़म है। असल नाम नौमान बिन साबित है, कुनियत उनकी अबू हनीफ़ा है और लक़ब इमाम आज़म रहमहुल्ला है। अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम, अपने वक़्त के बहुत बड़े मुश्तहिद, अपने वक़्त के बल्कि जितने भी 4 आइम्मा हैं उन 4 आइम्मा में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला वाहिद इमाम है जो ताबेई है, बाकी कोई ताबेई नहीं है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला ने की है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए सलमान, मेरे बाद तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा आदमी आएगा, अगर ये इलम सुरैया सितारे पर भी होगा ये वहाँ से भी उन्हें खींच कर लाएगा। लोगों ने कहा सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत के मिस्दाक इमाम अबू हनीफ़ा है। उलमा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के मिस्दाक वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला थे कि अपने वक़्त के अंदर। इमाम मालिक रहमहुल्ला एक दिन कहने लगे, मुलाकात के लिए तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद अपने साथियों से फरमाया कि ए साथियों, इस आदमी को जानते हो ये कौन है? इमाम मालिक 4 आइम्मा में से एक इमाम है, 4 इमाम हैं, पहले नंबर पर इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और चौथे नंबर पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला ये दोनों हजरात इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं, ये दोनों हजरात इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं। जिस दिन इमाम साहब का इंतकाल हुआ उस दिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाही अलैह की पैदाइश है, यानी इतने बड़े इमाम हैं हमारे। तो इमाम मालिक रहमहुल्ला तशरीफ़ लाए, मुलाकात हुई, साथियों से कहा इस आदमी को जानते हो कि ये कौन है? साथियों ने कहा हम नहीं जानते। तो इमाम मालिक रहमहुल्ला कहने लगे, ये वो आदमी है, अगर इस सामने पत्थर को भी ये कहे सोने का है और दलाइल पेश करे तो सामने वाला बंदा इस पत्थर को सोना मानने पर मुजिर हो जाएगा और वो कहेगा ये वाकई में ये पत्थर नहीं सोना है। यानी इतनी बड़ी बात इमाम मालिक रहमहुल्ला ने की कि अगर ये पत्थर को सोना साबित करके दिखाएं और दलाइल से कहें तो ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला साबित कर सकते हैं। अपने वक़्त के अंदर उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला ने ख़ुद फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर को खोद रहा हूँ और खोदने के बाद आपके जिस्म में अतहर को अपने सीने से लगा रहा हूँ। वक़्त के बहुत बड़े मुअब्बिर इमाम इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी कासिद को भेजा कि इस ख्वाब की ताबीर पूछी जाए लेकिन मेरा नाम न लिया जाए। इमाम इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो कासिद आया और आने के बाद कहा कि एक आदमी ने यह ख्वाब देखा है, तो इमाम इबन सीरीन रहमहुल्ला बहुत बड़े ख्वाब के मुअब्बिर थे, बहुत बड़े ख्वाब के इल्म बताने वाले थे, तो कहने लगे पहले मुझे बतलाइए ये ख्वाब किसने देखा है। तो कासिद ने कहा मैं नहीं बतलाऊंगा। दूसरी दफ़ा पूछा मुझे बतलाइए, कहा मैं नहीं बतलाऊंगा।
तीसरी दफा पूछने के बाद भी जब उन्होंने कहा मैं नहीं बतलाऊंगा, तो इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया ये आदमी वो है साहिब हादिही रुया यंशुरु इल्मा, ये आदमी ऐसा है इस ख्वाब को देखने वाला कि इसका इल्म अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फैलाएगा, ये वो आदमी है। और फिर यही हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इल्म अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। खूबसूरत शक्ल के मालिक, दरमियाने कद के थे और नफीस और उम्दा खुशबू लगाया करते थे, जहाँ से गुजरा करते थे लोगों को इल्म हो जाता था कि यहाँ से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्ला गुजरे हैं। रेशम कपड़े का कारोबार किया करते थे, कपड़े का, और कपड़े के कारोबार के अंदर एक वक़्त उन्होंने कारोबार के लिए सर्फ किया हुआ था। साल भर जब कारोबार करते तो साल में एक दिन हिसाब लगाते कि पूरे साल की आमदनी कितनी हुई, लगाने के बाद अपने साल का खर्चा अलग करते और बाकी पूरा खर्चा उलमा फुकहा मुहद्दिसीन और दीन के सीखने वालों पर खर्च करते और कहते ये आप ही की वजह से मैंने ये कमाया है, लिहाजा ये पूरा उन पर खर्च करते। दीन से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे और तकवा का ये आलम था कि एक दिन आ रहे थे रास्ते में, मजूसी उनका मकरूज था, एक मजूसी ने उनके पैसे देने थे तो उनके घर के करीब उनके पांव उनकी जूती पर कोई निजासत लग गई, तो इमाम साहब ने अपनी जूतियों झड़की और झड़कने के बाद वो निजासत मजूसी के घर के दीवार पर लग गई। तो इमाम साहब जब ये दीवार पे निजासत लगी तो इमाम साहब ने दिल में ये सोचा अगर मैं उसे हटाता हूँ, उस जमाने में जो घर हुआ करते थे मट्टी के हुआ करते थे तो मट्टी कुरश्ती है, इससे मकान ख़राब हो जाएगा, अगर इसी तरह छोड़ता हूँ तो मकान बुरा लगता है। उनसे किसी को भेजा कि दरवाज़ा खटखटाएं और इस मालिक से पूछते हैं कि आखिर इसका क्या हल है। दरवाज़ा खटखटाया तो कहने वाले ने कहा कौन, कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। वो अंदर ही छुप गए कि कहीं मुझसे कर्जे का मुतालबा ना करें। इमाम साहब ने बाहर ही से कहा मैंने कर्जा माफ़ कर दिया है, मैं कर्जे का मुतालबा नहीं करता, आप बाहर आइए, ये मसला है मैं आपको बतलाता हूँ। वो बात उन्हें बतलाई तो मजूसी इमाम साहब के तकवा को देखकर कहा मैंने इसी वक्त मुसलमान होना है। तकवा का ये आलम था, तकवा का ये आलम था कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला कपड़े का कारोबार किया करते थे, एक दिन दुकान बंद करने लगे तो साथ वाले दुकानदार ने कहा हजरत आप अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं, तो कहा कि देख नहीं रहे हो इस वक्त बादल आए हुए हैं और अंधेरा हो रहा है, अगर मैंने कपड़े की दुकान इसी तरह खोली, कोई गाहक आया और मामूली किस्म का कपड़ा अच्छा समझकर उसने ले लिया तो ऐसा ना हो उसका नुकसान हो जाए, कुछ अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं नहीं चाहता किसी गाहक का नुकसान हो जाए, दुकान बंद करके तशरीफ ले गए। तकवा का ये आलम था और सुन्नत से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह अपना ख्वाब सुनाते हैं और माते हैं कि मैं हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दमिश्क के अंदर उनके कब्र के करीब सोया हुआ था। कहा मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा और नबी अलैहिस्सलाम एक आदमी का हाथ पकड़कर आगे तशरीफ ला रहे हैं। फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया, सलाम के बाद पूछा कि ये आदमी कौन है जिसका हाथ पकड़ कर आप आगे आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये आदमी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह है। तो अली हजवेरी रहमहुल्लाह खुद बतलाते हैं कि उस ख्वाब के बाद मैंने ये महसूस कर लिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। अपनी जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, एक दिन तरबूज लाया गया, लाने के बाद किसी ने कहा हजरत आप ये खाइए तो आंखों से आंसू रवाना हुए और रवाना होने के बाद फरमाया कि मुझे नहीं मालूम है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये नहीं खाया है और आप खाते तो किस तरह काटा है आपने ये मुझे नहीं मालूम है, जब न खाया है न काटने का तरीका मुझे मालूम है लिहाजा मैं ये नहीं खा सकता। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से। और तक्वा का ये आलम था
कि बसरा के अंदर किसी ने कहा कि हजरत कोई बकरियां चोरी हो गई हैं और चोरी होने के बाद मंडी की बकरियों के अंदर बकरियां शामिल हो गई हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फौरन किसी बकरी पालने वाले को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या होती है। उन्होंने कहा 7 साल, क्योंकि चोरी की बकरियां आम बकरियों के साथ शामिल हो चुकी हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 7 साल तक फिर बकरी का गोश्त नहीं खाया। ये तक्वा का उनका आलम था। रास्ते में गुजर रहे थे, खुद ये किस्सा बतलाते हैं, कहा मैं रास्ते में गुजर रहा था तो रास्ते में कीचड़ थी, एक छोटा सा बच्चा भी गुजर रहा था। मैंने उस बच्चे से कहा ए बच्चे जरा संभल कर चलो, कीचड़ में पाँव न फिसल जाए। तो कहा उस बच्चे ने खूबसूरत जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा हजरत अगर मैं फिसल गया तो कोई बात नहीं, मैं अकेला फिसल जाऊंगा, लेकिन अगर आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी, आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी। बड़ी मोहब्बत थी इबादत से, रात भर इबादत किया करते थे और दिन भर रोज़ा रखा करते थे। और इबादत यूं किया करते थे, किसी दिन मजलिस में बैठे हुए थे, लोगों ने कहा कि इमाम अबू हनीफा पूरी रात इबादत करते हैं, हालांकि उस वक़्त ये इबादत नहीं किया करते थे। लोगों का हुस्ने ज़न था, हुस्ने गुमान था। जब ये बात सुनी उसके बाद उन्होंने तहिया कर लिया कि मैं रात भर अपने सर के नीचे तकिया नहीं रखूँगा, रात भर इबादत किया करते थे। अबुल फजल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं बसरा की जामा मस्जिद में आया, मैंने मिंबर के पास एक आदमी को देखा, वो कुरान मजीद खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहा था। कहा मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, उसने एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, एक ही रकात है, 10 पारे हो गए, 20 पारे हो गए। कहा 30 पारों के अंदर एक ही रकात के अंदर पूरा कुरान उसने पढ़ा। कहा जब उसने सलाम फेरा मैंने देखा वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह थे। ये आलम था। जब उनका इंतकाल होने लगा, इंतकाल से पहले अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद घर के एक कोने में बुलाया और कहा कि ए मेरे बेटे ये वो जगह है जहां मैंने बैठकर 7,000 कुरान ख़त्म किए हैं। कितने? 7,000 कुरान ख़त्म किए, ये वो जगह है। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ी, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। रमज़ानुल मुबारक के अंदर 3 कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। उनके तक्वा का क्या आलम होगा। और आज के लोग हैं कि वो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को नहीं मानते। तकलीद का मतलब क्या होता है? किसी की बात मानना। तकलीद का मतलब क्या होता है? किसी की बात मानना, किसी की इताअत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सहाबा ने माना, सहाबा की बातों को ताबईन ने माना, ताबईन की बातों को तबा ताबईन ने माना। हमने न सहाबा को देखा न ताबईन को देखा, ताबईन ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, ताबईन ने सहाबा को देखा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बातों को माना। ये तकलीद होता है। तबा ताबईन ने सहाबा को नहीं देखा लेकिन ताबईन की बातों को उन्होंने माना। और इसी तरह ये चल रहा है। जो हजरात किसी की तकलीद नहीं करते वो ये बतलाएं कि वो किसकी बात मानते हैं। आखिर नबी खुद चलकर आए हैं, आखिर सहाबा कब्रों से उठकर उन्हें बताने आए हैं कि नमाज का ये तरीका है, वजू का ये तरीका है, जनाजे का ये तरीका है। आखिर किसी न किसी की बात माननी पड़ेगी, किसी न किसी की बात माननी पड़ेगी। जब बात माननी पड़ेगी तो किसी न किसी की तकलीद फिर होगी। बाद लोग कहते हैं कि हम सही बुखारी के अलावा किसी किताब को नहीं मानते। जब सही बुखारी को मानते हो तो ये भी तो तकलीद है। जब सही बुखारी को मानते हो तो ये इमाम बुखारी की तकलीद ही तो है। जब आपने नहीं मानना, बुखारी को नहीं मानना, फिर ये नमाज का तरीका किसने बतलाया आपको? ये वजू का तरीका किसने बतलाया? ये चारों आइम्मा हमारे लिए ऐसे हैं, 4 रोशन सितारे हैं। जैसे इंजीनियर होता है वो ज़मीन के अंदर बतलाता है कि यहाँ पर सोना है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ मादनियात हैं, वो अंदर की चीज़ों को बतलाता है। ये 4 आइम्मा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मजीद के अंदर के मसाइल को उम्मत तक बतलाया, कुरान मजीद के अंदर की बातों को उम्मत तक बतलाया। ये 4 वो आइम्मा हैं। और बाज़ उलमा ने कहा कि इन 4 आइम्मा
نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، تو ایک امام نے یوں کہا یوں ہوگا، ایک نے کہا اس طرح ہوگا، ایک نے کہا اس طرح ہوگا، چاروں کی شکل میں نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو ان چاروں میں سے ایک امام کی بات ماننا، چاروں کو ماننا ضروری ہے، لیکن مذہب اور مسلک جس پر آپ چل رہے ہیں وہ ایک پر چلیں گے، اور باقی جو ہوں گے ان کی بھی تعظیم کریں گے، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ہمارے اکابرین ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اولئک آبائی فجکنا بمثلہم، اپنی زندگی میں کبھی غیبت انہوں نے نہیں کی، اور اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہیں سنی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ غیبت کرتے ہیں نہ غیبت سنتے ہیں، تو حضرت نے کہا بات یہ ہے، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں کسی کو دیں، ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے اندر بڑے حاسد آئے، ایک حاسد تھا ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی خدمت میں اشرفیاں بھیجا کرتے تھے، اشرفیاں ان کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ میری خدمت میں پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، بات یہ ہے وہ مجھے نیکیاں دے رہا ہے، وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ان نیکیوں کا عوض اسے دے دوں تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے پھر، اور صبر کا یہ عالم تھا امام ابو حنیفہ کا، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، یہ بات بتلا کر بات ختم کرتا ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی بوڑھی ان کی والدہ تھی، ایک آدمی آیا دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد کہا، حضرت میں نے آپ کی والدہ سے نکاح کرنا ہے۔ 90 سال کی بوڑھی والدہ، اور آدمی کیا کہہ رہا ہے، میں نے آپ کی والدہ سے نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ رکیے میں اندر جاتا ہوں، وہ بالغہ ہیں عاقلہ ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ جیسے ہی جانے لگے تو تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے، اس آدمی کا سر غیب سے کٹ چکا تھا، اس آدمی کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو علماء نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صبر نے اس آدمی کی جان لے لی۔ تو ایسے اکابرین تھے، ایسے اولیاء اور ایسے علماء اور ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، آج پوری دنیا ان کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔